मुझे पता नहीं इसमें किसी की परछाई या ऐसा कुछ भी दिख रहा है। मेरी किस्मत ही खराब है यार, वो कार से गायब हो गई। अब मत आना, छोड़ो छोड़ो। ये मैदान नहीं है, कब्रिस्तान है ये। आज मैं 24 घंटे बिताने वाली हूँ अपने इस हाथी कार में। लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी गाड़ी में सुकून से बिताऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे इस सुकून को बर्बाद करने के लिए आएगी मेरी अपनी बहन, जो कि हर वीडियो में बनती है मेरी दुश्मन। मुझे अपना ये चैलेंज जीत कर दिखाना होगा, इसे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चलो हम अपना घर बनाते हैं अपनी कार में। आ जाओ, अब इसके अंदर हो रहा है मेरा गृह प्रवेश, मतलब कार प्रवेश। और अब जो मैं इसके अंदर घुसूंगी, इसके बाद मैं अगले 24 घंटे के लिए इसके अंदर ही रहूंगी, निकलूंगी नहीं बाहर। तो ये होगा आज के लिए मेरा घर। इसको मैं अभी अपना अच्छे से घर बना लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे रहना है 24 घंटे के लिए, तो मैं बैठे बैठे तो नहीं रहूंगी। और आपको मैं बता दूं कि आज मेरा रोजा भी है, तो मैं अपने लिए इफ्तार के लिए सामान भी लाई हूँ, ताकि मैं रोजा खोल सकूँ बाहर हूँ क्योंकि, और मुझे क्या पता कोई सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो गाइस, पूरा घर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी मैं। वाओ, मेरा बेड हो गया तैयार। आप लोग सोचेंगे गाड़ी में ये सब चीजें, अगर वो मुझे परेशान करेगी एक बार भी तो उसके सर पे ये डंडा मारूंगा ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं पिंक चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ पिंक पिंक है। ये है मेरा एक छोटा सा पिलो, जो कि मैं यहाँ पे लगा के रखूंगी, ताकि मैं आराम से ऐसे लेट सकूं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, मैं बहुत आराम से जीतने वाली हूँ आज के चैलेंज में। तो आप मुझे ही विनर समझो, क्योंकि उसका यहाँ से निकालना मुझे इम्पॉसिबल है। अब मैं अपनी सारी इफ्तार की चीजें एक जगह पर रख देती, ताकि इफ्तार का टाइम होगा तो मैं खा सकूं। और वैसे गाड़ी के नीचे नहीं उतर सकती, लेकिन गाड़ी के इस पर तो मैं खड़ी हो सकती हूँ आराम से। और देखो, मैं टक से नीचे आके टक से ऊपर आ सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्या करता है? तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर ना अंदर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत थक गई हूँ, चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा। तो गाइज, अभी अभी समरीन यहाँ पर सो चुकी है बहुत ही गहरी नींद में, और मैं इसी का इंतजार कर रही थी, ताकि जैसे ही वो सोए वैसे ही मैं फौरन उसको परेशान करने आ जाऊँ। चलो अब उसके रंग में भंग करने चलते हैं। इतनी आराम से सो कैसे सकती है मेरे होते हुए वो भी? यार ये क्यों आ गई? मेरा तो चैलेंज ही यही है, इसको परेशान करना और इस गाड़ी से इसको कैसे भी निकालना। और जैसे मैं बिल्कुल निकल गई। चलो अब जल्दी से फौरन उठो और ड्राइविंग करो। चलो, लगता ही है पागल हो गया। इंडिया गेट लेके चलो मुझे, ड्राइविंग करो। कुछ भी, मरना चाहती हो क्या? हाँ मैं मरना चाहती हूँ तुम्हारे प्यार में। फालतू की चीज, ये सब डेंजर काम मत करवाओ, शांति। तो फिर चैलेंज हार जाओ। क्यों हार रहे हो? क्यों चैलेंज हार रहे हो भाई? क्योंकि भाई मैंने जो दिया है तुम्हें वो कंप्लीट नहीं कर। एक मिनट के अंदर मेरे चुटकी बजाते ही ये इस सीट पे मिलेगी आपको। मैंने कहा था ना, चुटकी बजाते ही इस सीट पे मिलेगी ये। भैया आप तो यूट्यूबर है ना? हाँ हाँ, बस अब थोड़ा वीडियो नहीं चल रही थी ना, तो गाड़ी चलाना सीख लिया। अच्छा कि आप पे सूट भी हो रहा है। मैडम आपका कहाँ की टिकट कटवाऊँ? ऊपर की ना? ऊपर का ही है, ओटीपी तो आपने पूछा ही नहीं। हाँ ओटीपी बताइए। 420, बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। भैया दोबारा ओटीपी आई है, 9211। क्या बोला तूने? 9211। तो चलो फिर यहाँ से 9211 होते हैं। दोनों ने भांग भांग पी ले। गाइस इसको रोजा लग रहा है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। 2 रुपए प्लीज एक्टिंग के काटिए। और 2 रुपए मेरे भी, मतलब टोटल 4 रुपए काटने आपको कमेंट में। तो इफ्तार का टाइम हो चुका है, चलो इफ्तार करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत भूख लगी थी यार मुझे, फाइनली अब मैं कुछ खा ली हूं। मुझे लगता है इसकी वीकनेस है मेकअप, तो मुझे यहाँ से मेकअप लेके भागना होगा और इसको बिल्कुल कूड़ेदान में फेंकना होगा, या फिर पैरों से तोड़ना होगा, तभी ये कार से बाहर निकलेगी। शाबाश। नहीं नहीं, मेकअप मेरा यार, मेकअप तो मत लेकर जाओ। बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, अब इसका बदला ना देख लेना, बहुत जल्दी मिलेगा। मच्छर मार रही है क्या? थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि यहाँ पर तो सारे लोग खर्राटे मार रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जा कहाँ आ रही हूँ। गाइस मैंने आज की डेट पे देखा था कि फुल मून निकलेगा, और मैं सामने से देख पा रही हूँ पूरा फुल मून, वो भी इतना बड़ा चांद दिख रहा है।
तो गाइज मैं अभी आ गई हूँ मॉल और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। ये कितनी गलत बात है, मेरा भी खुद का बहुत मन कर रहा है कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ, लेकिन मैं तो कार से नहीं निकल सकती हूँ। मगर क्यों? पिछली बार जब मैं कार में रुकी थी 2 साल पहले या 1 साल पहले, तो ये मुझे छोड़ के गई थी शॉपिंग के लिए, तो उसका बदला कौन लेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मुझे ये भी चीज कार से नहीं निकाल सकती है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं निकल के शॉपिंग करने जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, जाओ तुम जाओ। बहुत नए कलेक्शन आए, मैं कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। नहीं जाना, जाओ। गाइस ये देखो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो वो तो जा चुकी है, कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ पर अपना टाइम निकालना पड़ेगा, मैं क्या करूँ ऐसा बैठ कर यार। बहुत टाइम लगाएगी वो, क्योंकि अभी आने में उसको तो बहुत शॉपिंग करनी है, तो कोई बात नहीं, चलो हम बैठते हैं और इंतजार करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी फेवरेट कार कमेंट करके मुझे बताओ। मैं आपको बताती हूँ अपनी फेवरेट कार। मेरी फेवरेट कार है मैक्लारेन 720S, ये मेरी ड्रीम कार है जो कि मुझे चाहिए, लेकिन अब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी के लिए तो मेरी प्यारी गाड़ी यही है यार, अपनी कार से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, तो मैं इसको पकड़ के सोऊंगी इसके साथ। गाइज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मॉल से, और ये देखो यहाँ बैठी हुई है। अच्छा वो मैंने गई अंदर, और मेरा टाइम इतनी मुश्किल से गुजरा है ना, इतना लंबा टाइम लग रहा था, पता नहीं तुम कहाँ ही चली गई थी। कुछ भी करने के लिए नहीं है, और मुझे अपना ना अपना घर याद आ रहा है बहुत ज्यादा। मुझे अपना बेड चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ भी सही से, प्रॉब्लम हो रही है बहुत, और ऊपर से गाड़ी इतनी ज्यादा हिल रही है ना, बहुत चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा। तो अभी मैं आ गई हूँ ड्राइव थ्रू में अपने लिए कुछ खाने का लेने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही बहुत जोरों की भूख, मैंने इफ्तार के टाइम पे इतना कुछ नहीं खाया था। चलो लेते हैं जल्दी से गाइस, चलो ऑर्डर देते हैं हम। 2 डिप लेगी 90 स्नैकर्स के साथ। बॉम्बास्टिक साइड आई, क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड आई। कितना खाएगी गाइज? अभी समरीन ने यहाँ से ऑर्डर लिया है खाने का, और वो मतलब बहुत ज्यादा भूखी और एक्साइटेड है कि मैं खाऊंगी। और अभी वो खाना खोल रही है अपना, इससे पहले कि वो पूरा खाने लग जाए पहले चलते हैं, और मैं जा रही हूँ उसका खाना छीन के भागूंगी, और फिर मैं उसको बोलूंगी खाना लेना है तो बाहर निकल के आ जाओ वरना भूखी रहो। तो चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या पता बाहर आ जाए वो। बहुत कुछ है, अरे रुको यार क्या हो गया, लेना है तो अब ये ऐसे ले ले। तू यार ऐसे मत करो खाने के साथ, मत करो ऐसे प्लीज, टूट भी लग गई। आजा आजा खा ले। साला ये दुख का खतर होता है, नहीं खाना, खाती रहो। भैया ये इसने चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रखा है, खाने के चक्कर में भी बाहर नहीं आ रही, लगता कुछ और जुगाड़ सोचना होगा इसको बाहर निकालने के लिए। तो गाइस अभी बज रहे रात के 12, और बाहर बहुत सन्नाटा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रोड पे कोई भी नहीं है, और सच में कोई भी नहीं है, हमारी कार रुकी हुई है बस, और पता नहीं कौन सी जगह पर ही रुकी हुई है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी हालत खराब हो रही है नींद से, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरा तो दिल कर रहा है कि बस वही हार मान ले यार, घर जाने का मन है ये मेरे ऊपर। मैं तो हार नहीं मानने वाली, तुम्हें घर जाना, तुम जाओ, मेरी कोई वो नहीं है, मुझे तो भैया कार में रहना है। तो यार मेरा प्याज खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज, कर लो तुम, कर लो, खा लो। बंद शीशे में जो इसकी आहट आएगी तुम्हारे आंखों में, फिर तो शायद बाहर इस बदबूदार जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देख लेते हैं भाई, पूरी बदबू फैल गई प्याज की, इस प्याज की वजह से अभी समरीन निकलेगी। ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे ही तो करना है, तभी तो निकल के भागी यार, बहुत ज्यादा आ रही है। दुपट्टा मेरा है वैसे। क्या हुआ, छिलका छीलने में ही हवा निकल गई तुम्हारी? हवा तो तुम्हारी निकलेगी, रुक जाओ, हट जा, छुरी से मजाक मत कर। आई एम सॉरी बाबू। यार मेरा सर घूम रहा है यार, मत करो ऐसे। परफ्यूम लगाना है। मत करो, चैलेंज कैसे कंप्लीट होगा, बेकार लग रहा है यार बहुत। तो निकल जाओ, इतना बुरा लग रहा है तो। मैं चली बाहर, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे बैठो, यहीं पे, यहीं पे बैठो। और कितना गलत कर रही है यार ये, मुझे बहुत ही अंदर अजीब सा फील हो रहा है, बिल्कुल बंद बंद। तो गाइज ये समरीन तो भाई बहुत ज्यादा ढीठ बनी हुई है, बिल्कुल अभी इतनी रात हो चुकी है और मुझे नींद से हालत खराब है, और मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी जाऊं घर पे। मैं घर से आटा लेकर आई थी, और मैं सोच रही कि वो आटा उसके मुंह पे फेंक दूं सारा, फिर तो उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। गाइज ये है वो आटा, और ये है वो जुगाड़ जिससे मैं निकालने वाली हूँ इस ढीठ को बाहर। अब मत आना, ये भगवान क्या जुलूम है कर रही यार, आग में चला गया मेरे, कैसे कर रही हो, बहुत बहुत बुरा लग रहा है सच में। निकल जा बाहर, ऐसे पूरे टाइम रहना पड़ेगा, मत कर। शाबाश बेटा, यार ये मेरा न्यू आउटफिट था यार, सब गंदा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। अब रुको,
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाल पे तो गया, बाल पे गिर गया, देख लो। अरे यार क्या है यार, मेरा प्लान मेरे पे ही भारी। well done, well, well done. गाइस ये बहुत गलत कर रही है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत अंदर से इतना बुरा लग रहा है ना यार, कि देखो मेरी क्या हालत हुई है। ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे मत करो यार, नहीं की सकती। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वरना ये आटा मुंह पे जाएगा। मेरे सारे मिशंस नाकामयाब रहे, तो इसलिए मेरा ये लास्ट मिशन है और ये सबसे बड़ा मिशन है। अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, इतने अलग रास्ते पे? घर ही जा रहे हैं, दूसरे रास्ते जा रहे हैं, उधर से ट्रैफिक होता ना। ये रात में ट्रैफिक नहीं होता और इतना अंधेरा है। तुम्हें नहीं पता, क्यों लेकर आई हो? ये जो जगह दिख रही ना, ये जो मैदान, ये मैदान नहीं है, कब्रिस्तान है ये। यार ऐसी जगह क्यों आई हो? चलो यहाँ से। क्यों चले? क्या करोगी? गाड़ी से निकलना पड़ेगा। चलो यार हम लोग तो चल रहे ना इधर से, इसको छोड़ के चलो। ओ भाई क्या था यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। अब आओ ऐसी जगह पर। और क्यों आई हो यहाँ पे? अरे अंदर चल, चलो यार, चलो यार। अरे चलो यार। अरे अरे ऐसी जगह पे मत आया करो यार, मेरे साथ। इसको आना होगा ना तो ये खुद आए, आना होगा तो निकल के आओ हम लोगों के साथ। इतना क्या है वो? कैसी डरावनी जगह है ये। चलो यार कब्रिस्तान है वैसे उधर, वो देख लो। अरे यार दो यार इधर आओ सब लोग, प्लीज मत करो ऐसे, ये वाली चीज मत करो, डर लग रहा है यार। गाइस अब ये तड़प रही है। अब जब इसकी हवा निकलेगी ना तो ये अपने आप गाड़ी से भी निकल के आ जाएगी। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सब चले गए। यार ये लोग कब्रिस्तान लेकर आ गए यार, मुझे नहीं आना था ऐसी जगह, मुझे बहुत डर लगता है, शीशे पे ऐसा लग रहा है कुछ है। गाइस इसको पता नहीं है कि मैं यहाँ कोने से छुप कर इसकी वीडियो ले रही हूँ और बस इंतजार कर रही हूँ कि कब निकलेगी। बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है ये बाहर निकलने में। वैसे ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं मुझे, मेरे से नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, बहुत डर लग रहा है बहुत ज्यादा यार। मेरा चैलेंज हमेशा ऐसे ही खराब हो जाता है, ये लोग मेरे साथ ऐसा कुछ कर देते है ना। मुझे मैं सिर्फ ये फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर रखी है इसलिए मुझे कुछ दिख रहा है, वरना कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे पता नहीं इसमें किसी की परछाई या ऐसा कुछ भी दिख रहा है, ये देखो कितना ब्लैक है यार। और गाइस मुझे पता नहीं पीछे से कुछ अजीब सी आवाज भी आ रही है, शायद यहाँ पे कुत्ते बहुत ज्यादा, कुत्ते बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, अच्छी आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी मैंने अभी हल्का सा खोल के देखा तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। यार वो कार से गायब हो गई, नहीं दिख रही कार में। सबसे मुझे बहुत डर लगता है यार, मुझे चैलेंज हारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि मैं अब जीत पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे लगता कि मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ थोड़ी भी देर, और मुझे घर से बहुत डांट पड़ेगी यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, क्या करूँ। गाइस मैं निकल रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं निकल रही हूँ। गाइस निकल गई। निकलना पड़ गया, मजा आया? बहुत बुरी हो यार तुम, बहुत ज्यादा। कैसा लगा? इतनी एम्बुलेंस की आवाज आ रही है अभी भी पीछे, और पता नहीं क्या इधर से शोर आ रहा था। वो सब तो ठीक है, रोना धोना तो बंद कर दो, लेकिन फाइनली मैं जीत गई। अरे यार ये सच में रो रही है। गाइस उसको मैंने इतना डरा दिया, और मुझे यार मुझे हमेशा सब लोग ऐसे डरा देते हैं। मुझे पता था कि मैं कैसे भी जीत जाऊंगी और ये वाली ट्रिक काम आएगी ही आएगी। अब रोने धोने से कोई फायदा है नहीं, चलो अब गाड़ी में, क्योंकि हार तो हो ही गई है तुम्हारी, आ जाओ मेरी। ओ भाई कुत्ता, अंदर चलो यार जल्दी। मुझे बहुत दुख था कि इस बार भी मैं हार गई, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।